हाँ हेलो अजय, या अभिषेक पाठक इज हियर। अच्छा तो मैं कह रहा था कि अभी अपन ने दृश्यम 2 देखी, वहाँ साउथ में रिलीज हो गई है। एंड लेट मी टेल यू कि मोहनलाल प्लेड अ अमेजिंग कैरेक्टर, सुपर। तो अभी अपन मैंने सोचा है कि अभी तक अपन रुके हुए थे क्योंकि उन्होंने रिलीज की नहीं थी, तो अब अपन ने देख लिया है, समझ लिया है, वहाँ दृश्यम 2 रिलीज हो गई है। तो ऐसा करते हैं, अब अपन अपना काम शुरू करते हैं। हाँ। अच्छा स्क्रीन प्ले वगैरह, अरे डोंट टेक टेंशन अजय भाई, अपन ने जीतू जोसेफ से अडॉप्ट कर लिया है स्क्रीन प्ले। ओरिजिनल स्टोरी उसकी है तो क्या हुआ, अपन ने अडॉप्ट कर लिया है, कॉपीराइट वगैरह का इशू खत्म हो गया, कोई टेंशन वेंशन ना लो। और वैसे भी पब्लिक तुमको देखने आएगी अजय भाई, तुम हो ना यहाँ पर, भले हमारा खुद का क्रिएशन नहीं है मगर तुम एक्टिंग कर रहे हो ना, इतना काफ़ी है यार, यू आर सुपर एक्टर। तो अपने डेट वेट्स फाइनल कर लो, तो उसके बाद अपन काम शुरू करते हैं दृश्यम 2 पर, ठीक है? इतना इंतज़ार किया लंबा, अब जाकर उन्होंने 2021 में, 13 के बाद 21 में उन्होंने रिलीज़ करी थी, तो अपन 22 में कर लेंगे, है ना? चलो ठीक है, मिलते हैं अपन भाई, बाय बाय। तो ऐसे ही कुछ शायद बॉलीवुड में चल रहा है मेरे ख्याल से। वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनमेंट गॉसिप, यहाँ सब फिल्मी है। मेरा नाम है वैभव। So, अभी अपन रिव्यू करने वाले हैं दृश्यम 2 के टीजर का, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दृश्यम 2 का फ्लैशबैक बता दूं कि जो दृश्यम 1 आई थी साउथ में, एंड द कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर जो प्ले किया था वो मोहनलाल ने किया था वहाँ पर दृश्यम 1 में, ठीक है? उसके बाद हमारे हिंदी वर्जन में आई दृश्यम 1 2015 में, और अब जब 2021 में वहाँ पर फिर से एक बार दृश्यम 2 रिलीज़ हो चुकी, सब हिट विट हो चुकी, मोहनलाल ने अगेन वो कैरेक्टर प्ले किया लीड रोल में, ठीक है? और उसके बाद अब 2022 में यहाँ पर हमारे यहाँ रिलीज़ हो रही है दृश्यम 2, और ओरिजिनल स्टोरी है जीतू जोसेफ की, डायरेक्ट किया है यहाँ पर अभिषेक पाठक ने, वहाँ पर किया था जीतू जोसेफ ने खुद। तो भाई साहब, बस मेरी एक प्रॉब्लम ये है कि खुद का क्रिएशन कहाँ है? अगर हम हटा दें कि नहीं यार ये इनका खुद का क्रिएशन है, इन्होंने कहीं से अडॉप्ट नहीं किया है, कोई स्क्रीन प्ले वगैरह कुछ नहीं किया है, तो हमें लगेगा यार इट इज़ जस्ट फैंटास्टिक। और मैं खुद बोलूँगा, मैं खुद तारीफ करूँगा, क्योंकि अजय एंड तब्बू इज़ देयर, बोथ आर सुपर एक्टर्स, तो वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, और अजय को देखने ऑब्वियस है पब्लिक पहुँचती ही है थिएटर्स। तो देखिए यार, इसका फ़ायदा ना उठाना कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और इतने फैंस हैं तो वो लोग वहाँ पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, और ऑब्वियस है पहुँचते हैं। एंड टीज़र बहुत अच्छा है, अगर हम सोचें कि अभिषेक पाठक की खुद की क्रिएशन है, ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ द मूवी, तो बहुत अच्छी क्रिएशन लगेगी यार, एकदम सुपर काम कर लिया है। क्या टीज़र है, धांसू टीज़र है, तब्बू की एक्टिंग धांसू है, सब कुछ अच्छा है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, एवरीथिंग इज देयर, बट अगेन वो पॉइंट आता है कि खुद की क्रिएशन कहाँ है। तो बंधु, खुद की क्रिएशन तो गई तेल लगाने, वहाँ से कंटेंट उठाइए और सीधा सीधा चिप दीजिए। ऐसा अक्षय कुमार की कितनी सारी मूवीज़ हमने देखी, सलमान खान की कितनी सारी मूवीज़ हमने देखी जो साउथ से फुल्ली कॉपीड रहती हैं, है ना? और अभी कल की बात कर लीजिए, 30 तारीख की, तो भैया कल फ्राइडे है और एक और मूवी रिलीज़ हो रही है विक्रम वेधा। तो एवरीबडी नोज कि 2017 में साउथ में बनी थी विक्रम वेधा, और गायत्री और पुष्कर ने वहाँ पे भी डायरेक्ट किया था, यहाँ पे भी डायरेक्ट किया है, एंड मैडी एंड विजय सेतुपति वॉज देयर, और यहाँ पर सैफ एंड ऋतिक इज देयर। तो भाई साहब, मतलब ऐसा कॉपी का सिलसिला चल रहा है कि जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और बॉलीवुड खुद अपना, जैसे कहते हैं ना, कुल्हाड़ी पर पैर मारना, लेकिन ये तो पैर लेके कुल्हाड़ी पे कूद रहे हैं कि भाई साहब प्लीज़ क्रिएट योर ओन कंटेंट, मतलब आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई एम एडवाइजिंग यू, कुछ भी समझ सकते हो यार, है ना? और अगर सिर्फ यहाँ पे टीज़र की बात करें, मोबाइल रख दूँ तो टीज़र की बात करें, तो देखो टीज़र बहुत फैंटास्टिक है, अजय देवगन की एक्टिंग स्किल्स हम सब जानते हैं कि वो कितने कैपेबल हैं, मतलब कितने वर्सटाइल एक्टर हैं, तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं वो यहाँ पर। और तब्बू के एक्सप्रेशंस यार, और वो भी बहुत वर्सटाइल एक्टर हैं, उनका करियर कब से चल रहा है, बहुत पुराने अजय देवगन के टाइम की हैं और अब तक उनका करियर चल रहा है, और
शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर टू। तो मूवी बहुत अच्छी होने वाली है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, सब कुछ है, बस ओन क्रिएशन नहीं है। तो इस पर मेरा यही टेक है, आपको क्या लगता है? आप गरिया सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। डू योर कमेंट्स नाउ कि आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा। बकवास लगा तो बोल देना, भाई चूतिया है, बकवास है, है ना? तो कुछ भी बोल सकते हो, अच्छा लगा तो अच्छा बोल सकते हो, बुरा लगा तो बुरा बोल सकते हो, और कमेंट ज़रूर करना और इसी से रिलेटेड करना। और ये वाले कमेंट मुझे बहुत बेकार लगते हैं, गुड, कीप इट अप, कीप गोइंग। यार जो कंटेंट है उससे रिलेटेड कमेंट करो वरना मत करो, ठीक है? चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वैसे मूवी देखने जा सकते हैं, अच्छी तो होगी, तुमको क्या लगता है बताना। लेकिन यार बस वही है, खुद का क्रिएशन कुछ होता ही नहीं हम लोग के पास।